हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन महेंद्रगढ़ के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को महेंद्रगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार है, महेंद्रगढ़ पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर सतीश उर्फ छत्तीस का। सतीश महेंद्रगढ़ के गांव बहलवा खुर्द गांव का निवासी है। सतीश पर हत्या के प्रयास सहित 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि सतीश एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था। उसने गांव कहानी में 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन दोनों आरोपियों ने ही सतीश का नाम पुलिस को बताया था। महेंद्रगढ़ पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि एक गुप्त सूचना पर महेंद्रगढ़ और नरनोल पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और सतीश के घर को घेर लिया। सतीश ने अपने साथी के साथ पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक हैंड कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस इसकी जवाबी फायरिंग में 4 गोली सतीश को लगी, जबकि उसका साथी मौता पाकर फरार हो गया। पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र का। वीरेंद्र महेंद्रगढ़ जिले के गांव नीरपुर नारनोल का रहने वाला है, जिस पर हत्या और हत्या के प्रयास के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की हुई है। वीरेंद्र का नाम चर्चा में जब आया, जब इसने अपने ही गांव नीरपुर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपने सगे भाई जोगिंदर की 3 दिसंबर 2015 की रात को हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वीरेंद्र पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर सोनू सिगरा का। प्रदीप उर्फ सोनू सिगरा महेंद्रगढ़ जिले के गांव खजूरी का रहने वाला है। सोनू सिगरा पर हत्या के प्रयास और लूट के 20 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रदीप उर्फ सिगरा के गिरोह के 4 सदस्य हैं, जो इसके आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनमें से एक सदस्य जितेंद्र उर्फ सोनू, जो गोला हेडा का निवासी है, बलराम उर्फ छोटू, जो खजूरी का रहने वाला है, जबकि बबलू उर्फ चरण सिंह झबुआ और हरिओम मंडी का रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनू सिगरा ने अपने साथी सदस्यों के साथ मिलकर वर्ष 2014 में महेंद्रगढ़ पुलिस में खैरा गांव के रहने वाले बाबू की हत्या कर दी थी और अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। महेंद्रगढ़ पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन सिगरा पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। एक गुप्त सूचना पर महेंद्रगढ़ पुलिस ने खजूरी गांव निवासी प्रदीप उर्फ सोनू सिगरा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर जिले सिंह का। जिले सिंह महेंद्रगढ़ के गांव नयन का रहने वाला है, जिस पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, वसूली, अपहरण के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 6 सितंबर 2015 को बहरोड थाने के सुबह के समय फायरिंग कर जिले सिंह अपने साथी सदस्यों के साथ गैंगस्टर पपला गुज्जर को छुड़ा ले गया था। पपला फरारी के बाद ATS व SOG ने जिले सिंह पर 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। इसके बाद नारनौल के निजापुरा और भिवाड़ी जिला अलवर के हर्षोल्ला थाने में भी एक बड़ी वारदात में इसका नाम आया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि एक सूचना पर कोट कासिम व किशनगढ़ बास चौराहे के पास पुलिस टीम ने जिले सिंह का पीछा कर इसे गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर बब्बू खैरा का। बब्बू खैरा महेंद्रगढ़ के गांव खैरा का रहने वाला था, जिस पर हत्या के प्रयास, लूट के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। दोस्तों, आपको बता दें कि बब्बू ने
रोहतक में एक विवादित जमीन की सुपारी ली थी जिसमें उसका साथी कुलदीप भी शामिल था। बब्बू और कुलदीप ने सुपारी के बदले उस जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुलदीप ने जमीन का कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति को दिला दिया। इसी वजह से बब्बू और कुलदीप में दुश्मनी हो गई थी। वर्ष 2012 में कुलदीप ने बब्बू पर कई राउंड फायरिंग की थी जिसमें एक गोली बब्बू को लगी, लेकिन वह बच निकला। इसके बाद बब्बू ने एक एक करके कुलदीप के कई साथियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे कुलदीप बौखला गया और एक के बाद एक हमले बब्बू पर कराए। लेकिन किस्मत का धनी बब्बू हर हमले में बच निकला। इसी बीच बब्बू के साथी रहे कुलदीप और चीकू गैंग की दुश्मनी बब्बू के चक्कर में हो गई। बब्बू ने चीकू की मदद से ही कुलदीप के कई सदस्यों को मार गिराया था। कुलदीप बब्बू को मारना चाहता था, इसलिए वर्ष 2014 में उसके साथी सदस्य ने प्रदीप उर्फ शिखरा के बब्बू पर गोली चलवाई थी। पुलिस के बब्बू को एक हत्या के मामले में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर देवा उर्फ अशोक का। अशोक उर्फ देवा महेंद्रगढ़ जिले के लुजोत्ता का रहने वाला है। अशोक जुर्म की दुनिया में देवा नाम से प्रसिद्ध है और देवा गैंग का सरगना है। अशोक पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मांस मालिकों के लिए देवा गैंग सिरदर्द बनी हुई थी। गैंग का सरगना धमकी देकर रंगदारी मांगता और जान से मारने की धमकी देता था। जनवरी को दोखेरा माइंस में मालिक लक्ष्य खुराना से अशोक उर्फ देवा ने रंगदारी मांगने के मामले में जायर कई फायर किए थे और वहां से भागने लगा था, और इसके बाद इसके साथियों ने माइंस में फायर किए और भाग निकले। आपको बता दें कि जैनपुर क्रेशर में खड़ी गाड़ी में अशोक उर्फ देवा ने आग लगवा दी थी। तभी से पुलिस इसकी तलाश में लगी थी, लेकिन यह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। पुलिस ने इसके कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया। इसलिए पुलिस अधीक्षक ने जांच CIA को नारनौल को दे दी। CIA ने मई में बायल मोड पर इसके पीछे भागकर इसे गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर ले लिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र गोटडी का। वीरेंद्र गोटडी हरियाणा के नागल चौधरी इलाके के गांव गोटडी का रहने वाला है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की हुई है। वीरेंद्र गोटडी पर हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट के 14 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जुर्म की दुनिया में वर्ष 2016 में हरियाणा में हुए पंचायत चुनाव में मुकेश गुज्जर की सक्रियता से उसके समर्थन का प्रत्याशी जीत गया, लेकिन हारने वाले प्रत्याशी ने वीरेंद्र गोटडी को मुकेश गुज्जर और मुखा की सुपारी लेकर कदम रखा था। वीरेंद्र गोटडी मुकेश गुज्जर को 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मई 2017 में मुकेश गुज्जर डिमोली खुर्द में बात भरने के लिए आया हुआ था। वीरेंद्र ने मुकेश गुज्जर उप मुखा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र के साथी सदस्यों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीरेंद्र फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी कि एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने वीरेंद्र को घेर डुमोली खुर्द में गिरफ्तार कर लिया और 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू का। सुरेंद्र उर्फ चीकू महेंद्रगढ़ के मोहनपुर का रहने वाला है। गैंगस्टर चीकू पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट और दुष्कर्म के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुरेंद्र उर्फ चीकू ने वर्ष 2005 में एक दुष्कर्म करके जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने वर्ष 2006 में एक अपहरण की घटना को इल्जाम दिया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2007 में राजस्थान के एक व्यक्ति चमन पर भी इसने हमला किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2011-12 और वर्ष 2013 में भी इसने कई आपराधिक घटनाओं को इल्जाम दिया था। इतना ही नहीं, फरवरी 2014 में इसने राजस्थान में त्रिलोक पार्षद की हत्या कर दी थी। पुलिस को इसकी काफ़ी समय से तलाश थी, लेकिन पुलिस का प्लान हर बार फेल हो जाता था। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर रखी थी। एक सटीक सूचना पर पुलिस ने एक प्लान तैयार किया और चीकू
को उसके घर पर सुबह समय में चारों ओर से घेर लिया। गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर डॉक्टर कुलदीप यादव का। डॉक्टर कुलदीप यादव महेंद्रगढ़ के खायरा गांव का रहने वाला था। कुलदीप डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता था, लेकिन बन गया दहशत फैलाने वाला गैंगस्टर। कुलदीप उर्फ डॉक्टर वर्ष 2005 तक जुर्म की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। इस पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के कुल 2 दर्जन से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह वर्ष 2005 के प्री मेडिकल टेस्ट में स्टेट टॉपर था। इसके बाद मेंस में भी इसके अच्छे नंबर आए थे। इसी के चलते रोहतक PGI में इसे आसानी से दाखिला मिल गया था। MBBS की पढ़ाई के दौरान इसकी दोस्ती अपराधियों से हो गई। इसके बाद कुलदीप का एक कदम स्कूल में होता तो एक कदम जुल्म की दुनिया में। कुछ समय बाद कुलदीप के नाम के चर्चे पूरे शहर में होने लगे थे। जुर्म की दुनिया में इसकी पहचान कुलदीप उर्फ डॉक्टर के नाम से होने लगी। इसने पहला जुर्म रोहतक में एक विवादित जमीन की सुपारी लेकर किया। कुलदीप ने कुछ समय तक बब्बू नाम के बदमाश के साथ मिलकर काम किया, लेकिन पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसी वजह से कुलदीप ने वर्ष 2012 में बब्बू पर जानलेवा हमला किया और 2 राउंड गोलियां चलाई। इस हमले में बब्बू को गोली तो लगी, लेकिन वह बच गया था। इस कारण हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने इसके बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए इसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। हरियाणा पुलिस इसकी तलाश में लगातार घूम रही थी। अंततः वर्ष 2016 में इसे नारनौल से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है महेंद्रगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुज्जर का। विक्रम उर्फ पपला गुज्जर महेंद्रगढ़ के खरोली गांव का रहने वाला है। हरियाणा पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। इस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी फिरौती और अपहरण के सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसने जुर्म की दुनिया में कदम अपने गुरु शक्ति गुज्जर की हत्या का बदला लेने के लिए रखा था। इसके बाद इसने अपने दोस्त वीरेंद्र के साथ मिलकर 4 हत्याओं को अंजाम दिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। फरवरी 2016 में एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के समय इसके पास 2 पिस्टल प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सितंबर 2017 को पुलिस पपला गुज्जर को खैरोली महेंद्र कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई थी। पेशी के दौरान यह पुलिस के ऊपर गोली चलाकर फरार हो गया था। इस गोलीबारी में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट के बाहर पहले से ही इसका एक दोस्त स्कूटर लेकर खड़ा था। जैसे ही पपला आया, वह पपला को स्कूटर पर बैठाकर फरार हो गया था। इस घटना के 1 महीने बाद ही पुलिस ने पपला के दोस्त पवन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने पपला को भगाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन पपला पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन महेंद्रगढ़, हरियाणा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।